दोस्तों, अभी हमें समझ लेना है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे क्लास फर्स्ट से क्लास ट्वेल्थ तक मैथमेटिक्स के हर कंसेप्ट को और हर प्रॉब्लम को हम देने वाले हैं, हर सॉल्यूशन को हम देंगे तीन वीडियोज में। एक रहेगा फास्ट ट्रैक आंसर, एक रहेगा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और एक रहेगा हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। दोस्तों चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम। क्या है लॉगरिथम? लॉगरिथम एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से बना है, लोगोस जिसका मतलब है रेशियो एंड अरिथमोस जिसका मतलब है नंबर, यानी एक जुड़ा है रेशियो और नंबर्स के साथ लॉगरिथम। अभी हम देखते हैं उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। एंड इज रिटन एज एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, इस फॉर्म में इसे लिखना है इस तरह से। डेफिनेशन, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो यानी ए पॉजिटिव है, ए इज नॉट इक्वल टू वन यानी वो वन नहीं है, पॉजिटिव है लेकिन वन नहीं है, एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो यानी ए और बी दोनों पॉजिटिव है और ए इज नॉट इक्वल टू वन, देन एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए। देखिए इस कंडीशन में इसका मतलब अगर b इज इक्वल टू a रेस टू x अगर ऐसे दिया है तो इस केस में इस इंडाइसेस फॉर्म में जो पावर है x इट इज कॉल्ड द लॉगरिथम, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम मतलब पावर जो है इट इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ b, जो आंसर है a रेस टू x का b इस b का वो लॉगरिथम है x टू द बेस 10, जो इंडेक्सेस फॉर्म में हमारा बेस है ए उसे ही हमें बेस लेना है, यहाँ पे टू द बेस ए उसको इसे ही पढ़ना है, एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए, उसे पढ़ना है लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए। और इसे कैसे लिखना है? इफ बी इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, देखिए इंडेक्सेस फॉर्म है, ये बेस है उसकी पावर x है और उसकी वैल्यू है b a रेस टू x, तो अगर हमें b दिया गया है विच इज इक्वल टू a रेस टू x वेयर a b एंड x बिलोंग्स टू r मीन्स रियल नंबर, ये जो तीनों नंबर यहाँ पे यूज किए गए हैं ये रियल नंबर है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंडाइसेस का ही एक अलग फॉर्म है लॉगरिथम, जैसे यहाँ पे दिया है b इज इक्वल टू a रेस टू x ये है इंडेक्सेस फॉर्म, यहाँ पे बेस a है जिसकी पावर या हम इंडेक्स नंबर कहते हैं वो x है और उसका आंसर a रेस टू x का आंसर b है, उसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है x इज इक्वल टू यानी जो इंडेक्स नंबर x है वो है लॉगरिथम किसका, तो log ऑफ b, जो b है आंसर है a रेस टू x का उसका log है x टू द बेस ए यानी जो इंडेक्सेस फॉर्म में बेस है वही यहाँ पे लॉग में भी बेस आता है। तो इस तरह से इंडेक्सेस फॉर्म बी इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, एक्स इज इक्वल टू जो इंडेक्स है एक्स वो आएगा लॉगरिथम एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। द इक्वेशन बी इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इज कॉल्ड इंडाइसियल इक्वेशन और इंडेक्स फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज द लॉगरिथमिक फॉर्म। तो दोस्तों इस तरह से एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम ये दो एक दूसरे से जुड़े हैं, हम किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें खाली पहचानना है कि इसमें पावर क्या है। जैसे कि इंडेक्स
फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर होती है, इंडेक्स नंबर होता है एक्स, वही होता है लॉगरिथम, और इंडेक्स नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आंसर होता है बी, उसी का यहाँ पे लॉग होता है। तो लॉग ऑफ बी, और जो बेस है इंडेक्स फॉर्म में ए, वही यहाँ पे बेस होता है। तो लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। दोस्तों आप एक बार अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2^3 इज इक्वल टू 8, 2³ इज इक्वल टू 8 एज वी नो। अभी देखते हैं इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो इट कैन बी रिटन इन द लॉगरिथमिक फॉर्म एज लॉग ऑफ 8। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आंसर था 2³ का, 2^3 का 8, इसी का लॉग यहां पे लिया हमने, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, टू द बेस 2, वही बेस जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यहां पे भी बेस यूज किया है, इज इक्वल टू 3, यानी जो इंडेक्स नंबर है, जो पावर है 2 की, वो यहां पे आंसर है लॉग का। तो लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी सेकेंड एग्जाम्पल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 4^-2, अभी पावर हमने निगेटिव ली है, इंडेक्स नंबर निगेटिव है, 4^-2 इज इक्वल टू 1/16, ये है हमारा आंसर, 1/4^2, दैट इज 1/16। सो इट कैन बी रिटन इन द लॉगरिथमिक फॉर्म एज लॉग ऑफ 1/16, जो कि इंडेक्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर है, उसका लॉग लेना है, लॉग ऑफ 1/16 टू द बेस 4, बेस सेम आएगा दोनों जगह, टू द बेस 4 इज इक्वल टू जो इंडेक्स नंबर है -2। अभी देखिए थर्ड एग्जांपल है, थोड़ा अलग है, 8^-1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 8^-1/3 विच इज इक्वल टू 1/2। अब आप सॉल्व करके देखिए, 8 मीन्स 2³, तो क्यूब और 1/3 का 3 कैंसिल हो जाएगा, सो आएगा 2^-1, दैट इज 1/2, सो 8^-1/3 इज इक्वल टू 1/2, विच कैन बी रिटन इन द लॉगरिथमिक फॉर्म एज लॉग ऑफ 1/2, जो आंसर है इंडेक्स का, लॉग ऑफ 1/2 टू द बेस 8 इज इक्वल टू -1/3। तो इस तरह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। अभी इस लॉगरिथम के क्या यूज है, किस तरह से हम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को लॉग का और लॉगरिथम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हमें आगे भी देखना है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।